घर से निकलने के लिए आपको दो चीज चाहिए होता है, एक रीजन टू गो और दूसरा वेयर टू गो। रीजन था कि मेरा मम्मी और मेरी भाई मेरे यहाँ पे घूमने के लिए आए, तो पहला पॉइंट को टिक करते हुए अभी बारी था कि जाए तो जाए कहाँ। कहाँ तो चलिए मेरे साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिट विद अस। आज है 14th of March। हम लोग आज पिंचलकोना जा रहे हैं। नेलोर से 105 किलोमीटर दूर में ये पिंचलकोना पड़ता है। अभी हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। ये अभी भी यहाँ से 32 किलोमीटर दिखा रहा है पिंचलकोना वाटरफॉल्स। तो चलिए लेट्स कम विद अस एंड फिट विद अस। यहाँ से नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, ये बन रहा है चिकन करी और ये है चावल। अभी कहाँ जा रहा है वो तो आपको पता ही है, थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा। तो लेट्स गो। ये है हम लोगों का टीम, मेरा मम्मी, मेरा भाई, मेरी वाइफ और ये है हम लोग। यहाँ पे आने का प्लान आज 3 साल से होल्ड पे था। मेरा यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद 3 बार तो बन के भी कैंसिल हो गया, लेकिन आज वो घड़ी है जब हम यहाँ पे जा रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। वो पीछे है दुकान, डोसा और बोंडा यहाँ पे यही मिलता है। ये छोड़ के यहाँ पे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो मिल रहा है वही खा लेना चाहिए। ये अभी भी यहाँ से 32 किलोमीटर दिखा रहा है पिंचलकोना वाटरफॉल्स। और वहाँ पे एक चीज़ जो खास है, वहाँ पे वाटरफॉल्स भी है और वहाँ पे नरसिम्हा स्वामी जी का टेम्पल भी है। तो हम लोग पहले टेम्पल विजिट करेंगे और उसके बाद जाएंगे वाटरफॉल्स। वो मंदिर से वाटरफॉल्स जाने में तकरीबन 2 किलोमीटर का एक ट्रेक है जो शॉर्ट ट्रेक टाइप का ही है, तो देखते हैं, मज़ा आने वाला है। चलिए इम्पॉर्टेंट नोट, यहाँ पे आने के टाइम घर से खाना बना के लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में आपको कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो खाली स्नैक्स शॉप। दोनों तरफ के खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते हुए हम जब पिंचलकोना पहुंचे तब घड़ी पे टाइम था 10:20।
ये पिंचलकोना गांव फेमस है। ये जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर और यहाँ पे जो एक वाटरफॉल्स है उसके लिए। तो यहाँ पे जो इसका घटना था, जब भगवान विष्णु नरसिंहवा अवतार लेके धरती पर आए, तब वो हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान बहुत गुस्से में इसी पिंचलकोना पे आए थे। गुस्सा शांत कराने के लिए गॉडेस श्रीदेवी चिंचला लक्ष्मी का अवतार लेके आए, जो वहाँ की राजकुमारी थी। और इसके बाद भगवान चिंचला लक्ष्मी के साथ शादी किए और उस एरिया का जमाई बने। इसीलिए इस टेम्पल को द पेनुसिला लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल के नाम से भी बुलाया जाता है। अभी इस पॉइंट से हम लोगों का वाटरफॉल्स का जर्नी स्टार्ट होगा। पता नहीं जर्नी कितना दूर तक कंप्लीट हो पाएगा। सबका मुंह देख के आप लोग समझ सकते हैं कि सब अभी भी टेंशन में है कि जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। चलिए स्टार्ट तो करते हैं, देखते हैं कितना दूर तक पहुंचते हैं। ये है पिंचलकोना का स्टार्टिंग पॉइंट, यही से वाटरफॉल्स का रास्ता शुरू होता है। मार्च में थोड़ा भी पानी नहीं है और इसी को देख के हम दोनों को छोड़ के और कोई आया भी नहीं। अभी थोड़ा रेस्ट। ये वाटरफॉल्स थोड़ा थोड़ा साउंड तो आ रहा है पानी का, लेकिन रेनी सीजन में जितना पानी देखने को मिलेगा जाहिर सी बात है समर में तो उतना मिलेगा नहीं। लेकिन हम लोगों ने जो सोचा था कि एकदम नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा मन में आशा जग रहा है कि थोड़ा तो मिलेगा देखने को। थोड़ा बैठ जाते हैं, बैठ के फिर निकलते हैं वहाँ पे। थैंक यू। दो सांप दिखा, एक बड़ा वाला एक पतला वाला। राय को लेके आना दिक्कत वाला काम है, उसको लेके आ गए तो हम लोग चल नहीं पाते। अभी पहुंच गए। मिठाई लेके चल रहे हैं बच्चे, लेकिन पानी ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को रिकमेंडेड है मार्च से
मतलब गर्मी के मौसम में तो इसको अवॉइड कीजिए, बरसात आने के बाद आइए। तो चलिए, हो गया वाटरफॉल घूमना, अभी निकलते हैं यहाँ। झरना तो था, लेकिन वो मान लो कि तुम्हारे घर पे 3 माले का बिल्डिंग है और घर पे रिजर्वर नहीं है, तो म्यूनिसिपैलिटी का पानी 3 माले में कैसे आता है? ऐसा झरना था, झरना तो देखा, हल्का ऊपर से आवाज आ रहा है, लेकिन नीचे आते आते वो और कुछ नहीं आ रहा है, मतलब खाली आ रहा है पानी, वही दिख रहा है, बहुत पानी कम है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, हर एक टीम में एक डिसबैलेंस टाइप का आदमी रहता है ना, हम लोगों के साथ भी ऐसा एक डिसबैलेंस माल है। ये मेरा भाई कहीं पे भी जाए, कुछ भी करे, सारा उसको कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आए पाप खुल जाता है या हाथ कट जाता है। अभी अभी तो आप लोग, वो मैं तब रिकॉर्ड नहीं किया, उसका पैर फिसल गया, देख के चलना चाहिए, इतना डेंजरस रोड है, पैर फिसल गया, अच्छा हुआ ज़्यादा चोट नहीं लगा, जख्म तो गहरा है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? तेरी झलक शर्फी, शायद ही वाटरफॉल्स हम लोगों के नसीब से इस बार फॉल्स हो गया, लेकिन ये जो यहाँ पे गर्मी के दोपहर में सूखे हुए नदी में हम सब घर से इतना दूर आके जो गप्पे मारे, ये भी हम सब के लाइफ में फर्स्ट टाइम ही था। अभी दो टाइम है, दोपहर का 3 बजे, अभी हम लोग लंच के लिए रुके हैं। अभी भी 44 किलोमीटर है यहाँ से नेलोर, तो अभी हम लोग मुतकुर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट नेलोर, क्योंकि मम्मी को थोड़ा शॉपिंग करना है। अभी हम लोग है आर वाई पालेम पे। मम्मी जी व्यस्त है खाना प्रिपेयर करने में। अभी टाइम हुआ है 3:17, हम लोग यहीं पे अभी लंच कंप्लीट किए, अभी जा रहा है नेलोर की ओर, मम्मी को शॉपिंग करना है, देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करता है, चलिए। नेलोर से निकल के हम सब जब घर पे आए तब टाइम हुआ था शाम के 6 बजे। हमारा इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक स्टे सेफ एंड गुड बाय।